हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। काहे की गुड मॉर्निंग, धूप आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे आपने भी देखी होगी ये गाड़ी जो कि अपन रात को लेकर आए थे भाइयों। तो गाइस, ये जो अपनी सीरीज चल रही है ना डीजे बनाने की, अगर आप इसको पूरा देखते हो तो आपको घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे डीजे बनता है, कितना खर्चा होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो आज हम इस गाड़ी में कराने वाले हैं कवाणे का काम, जो कि भाई कंपनी से जो कवाणी आती है उसमें डीजे नहीं बन सकता डायरेक्ट, तो थोड़ा वेट बढ़ाने के लिए तो कवाणे काम कराना पड़ेगा। कितना खर्चा होता है, कहाँ होता है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें हम आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट एक्सपीरियंस कराने वाले हैं। और हमारा किंग कैसे बन रहा है वो आप देख सकते हो, हाँ, बाय स्टेप हर एक चीज। हम तो आपको पहले बता देते हैं अजमेर का टॉप नंबर वन होगा ये। हाँ, ये भाई देखो बनने से पहले बता रहे हैं, और आपके भाई पे विश्वास रखो कि जो बोलता है वो करता है, आपको पता ही है। आप एक्सपीरियंस करोगे कि नंबर वन डीजे को हमने देखा है कैसे। हाँ भाइयों, ये बात है, आपने देखा है कि कैसे बना, कैसे गाड़ी आई, कैसे कवाणी का काम हुआ, बस आप देखना पूरी सीरीज, ठीक है भाई? सब व्यू नहीं दिखेगा भाइयों, ये पहले और आखिरी बार देख लो व्यू, फिर नहीं दिखेगा ऐसा व्यू, क्योंकि यहाँ पे गोटी आ जाएगी। तो भाइयों, गांव से बाहर निकल चुके हो और अपने को चलना है मेन सिटी के बिल्कुल पास के अंदर। इसमें भाई बहुत ही सेफ तरीके से ड्राइविंग करते हुए, डर रहे चलाने से कि यार अच्छी जागे, डर तो नहीं रहा भाई, थोड़ा वो मतलब पकड़ रहा हूँ भरी भरी। हाँ, अभी खुला नहीं इस्माइल भाई गाड़ी से, पूरा खुला उस बार वो बन जो देख 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 गाइस, यार ये चेंजेस कर, एक बार रेस्ट करवा लेते हैं यार, आ जाएंगे आते की रेस की, ये जीतेगा यार, ये जीतेगा। यहाँ पर आ गए और अब ये गैस वाली गाड़ी हटेगी तब अपनी लगेगी। तो भाई ट्रक हट गया, अब लगा रहा अपना डीजे। ये आगे जाके मेन सीट है भाइयों, केसरगंज। भाइयों गाड़ी लगा दी है और आप में से काफी को पता ही नहीं है कि कवाणी होती क्या है। मैं बता दूं, ये जो चीज दिख रही है ना, ये इसको कवाणी बोलते हैं। देखो भाई, ये सात पत्ते सात चार ग्यारह, आगे भी आगे दो दो पत्ते बढ़ेंगे, ठीक है भाई, देखते रहना आप। ये कुछ भी करेंगे, ये तो कंपनी का है, ये रहेगा इसके अंदर, ये सेकंड, ये वाला, ये अच्छा लगेगा, अभी मैं नहीं टूटेगा, ये वाला, ये यहाँ से पकड़ के पूरा बन गया, उसके बाद में ये कंपनी का रहेगा, ये दूसरा है, जैसे ये पूरी कंपनी तैयार होगी। काम चल रहा है, काम के बीच में आ चुकी है चाय, पत्ते ऑल सेट हो गए, मेरे वीडियो बनाना है वो भी भाई, चाय पीने का भी मजा अलग है, सागर भाई नहीं पी रहे यार। लो भाई पत्ते देखो कितने हैं, बोल सकते हो कितने पत्ते हैं, क्या
मेरा बड़ का था वो निकाल के ये लगाया दूसरा। भाई यहाँ पे ये जो ट्यूब के ऊपर वेल्डिंग देख रहे हो, ये झटके से कई बार ट्यूब घूमने स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे भी सपोर्ट हमने पहले ही लगवा लिया है। तो आई थिंक एक साइड की कमाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, शोकर भी नए लगेंगे। ये देख लो पहले वाले खोल दिए हैं ऊपर से, तो ये यहाँ पर लगवा था। भाई सामने से दोनों कबाड़ियों को खोल लिए, ये पड़ी है, अब इनका काम चल रहा होगा, इनमें पत्ते बढ़ेंगे अभी थोड़े थोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पत्ते छोटे छोटे। भाई अब लगेंगे चेचिस के सपोर्ट, लोग भी ये चेचिस के बीच में आ रहे हैं, वो हटाए जा रहे हैं। फिर ये तो लगे नीचे पे यहाँ से यहाँ तक, और ये जो लंबी वाली रोड दिख रही है ना, ये पूरी लगेगी ऊपर आगे तक, ताकि इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम ना आए। भाई ये चिपक के रेड होगा अभी, और इसकी जो ये गोलाई है वो देंगे यहाँ से चेक कर करके, ये देखो फिर लेके हम वहाँ पे ठोकेंगे, बोड़ेंगे, फिर आके चिपकाएंगे। भाई ये एक तरफ का सपोर्ट लग चुका है, ये देखो इसके अंदर चलाया, और ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गया, ठीक है। भाई कबाड़ियों का काम हो गया, पीछे की आपको दिखाई दी थी गाड़ी की हाइट हो गई यार इसमें, भाई तो कितनी बड़ी लग रही है इसमाइल भाई, दिखाई में जा रहे हैं। कवाणियों का काम तो हो चुका है कंप्लीट, अब नीचे के वो सपोर्ट भी लग चुके हैं चेजिस के, ये वेल्डिंग दिख रही है ना टायर के ऊपर, ये अब बाकी है खाली सिर्फ ऊपर के सपोर्ट, फिर चलते हैं घर पे। और सागर भाई छाया में जाके बैठ गए, यहाँ पे धूप है भाई, और ये छीट रही है धूप, और ये यहाँ पे मोड़ा जा रहा है अभी एंगल को, एंगल नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है, जो भी है क्या रहा भाई, इसको नीचे बैठाने के लिए चीड़ा लगा रहे हैं। सागर भाई चाय पी रहे हैं फाइनली, झूठा आदमी चाय नहीं पीता। कॉफी भाई कॉफी कॉफी ले ले ले, क्या ले इधर दिखाना। ओ अच्छा ये मेरी क्या है चाय है, अच्छा तू बड़ा वो होशियार आदमी है झूठला। चाय पीता ही नहीं हो, सुबह किया ना
थोड़ा सा और है भाइयों, फिर ये एक और है, इसको बका और करेंगे, फिर ये लग जाएगा, इसको ये मोड़ेंगे और ये इसको चपका के वेल्डिंग करेंगे। कहने का मतलब क्या बताऊं मैं आपको आज। बस ये लगेंगे अब, तो भैया पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ये लग चुके हैं और चेजिस सब कुछ लग चुका है। अब इस्माइल भाई मनी कितनी लगेगी? इस्माइल भाई आज गड्डी लेकर आए हैं भाइयों, अब बारी है कि कितना खर्चा हुआ होगा आज आपको पता चल जाएगा भाइयों। कि डीजे की गाड़ी में जो छुपे हुए खर्चे होते हैं ना, जो दिखते नहीं है, आप ये सोचते हो कि ये गाड़ी खरीद ली, डाउन पेमेंट दे दी, वहीं पे खेल ख़त्म। भाइयों वहीं पे खेल ख़त्म नहीं होता है, गाड़ी की जो शोरूम में साफ़ सफाई डेकोरेट करके देता है वो इसको इनाम देना होता है। उसके बाद कल हमने टंकी फुल कराई, वो 5-6 हज़ार रुपये वो गए, और अब ये कबाड़ियों का काम अराउंड 20 हज़ार से कुछ कम या कुछ ज़्यादा ये भी हो सकते हैं, और उसके बाद ट्रॉली, ये छिपे हुए खर्चे भाई। और फिर ये गाड़ी बनने के लिए जाएगी 100 किलोमीटर दूर, वो डीजल, टोल, खाना पीना, तो ये छिपे हुए खर्चे होते 30-40 हज़ार रुपये। हम आपको कंप्लीट ही सीरीज़ में बताने वाले हैं कितना खर्चा क्या होता है, कितना लगता है कंप्लीट। अब चेक करते हैं कि आज का बिल कितना हुआ है। ये अपना किंग, जिसका कबाड़ियों का काम हो गया कंप्लीट। हाँ तो भाइयों देखो कितना बेटा बिल, 23,510 रुपए भाइयों कंप्लीट। चेचीज वेचीज कबाड़े बाड़े, कहने का मतलब गाड़ी 5 साल तक तो टेंशन नहीं है, है ना? हाँ, 5 साल की गारंटी है, गारंटी है। पत्ता टूट जाए 5 साल में भी अपना पास लेके आ जाना, फिर मैं चेंज कराएंगे। तो अपना पत्ता जमा हो गया भाई, मैं 3,500 का कंपनी का जो आगे का 6 पत्ता वही छोड़ा शोक कर रहा। तो 20,000 रुपये हो गया है ना? हाँ, 20,000 रुपया और 1,000 रुपया डिस्काउंट करो और आपने लिए 1,100 रुपया। तो भाई साहब 19,000 रुपये में 100 रुपये और कम है ना, 1,100 रुपये डिस्काउंट, ठीक है भाई। देख रहे हो खर्चा, कल 2 पेटी, फिर परसों 2 पेटी और 50। गाड़ी बनानी है तो ये देखना है, पूरी सीरीज देखना है कितना क्या खर्चा होता है, फिर आपके जज्जे तो बनाना नहीं तो समझ जाना। कहाँ से आज काम करवाया था तो आप देख सकते हो, केसरगंज अजमेर सिटी के अंदर है भाइयों, और अपन चल रहे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है, शाम का टाइम है ना इसलिए। भाई साहब थोड़ा सा डबो हमको भी निकलने दो। अब भाइयों गाड़ी के अंदर कबाड़ियाँ हो चुकी है ताकतवर, अब हमारी धन्नस जगेगी, बहुत तगड़ी उछलेगी गाड़ी, देखना धन्नस जगेगी देखना। ये तो जस्ट नमूना था, जैसे देख ये हल्का सा खड्डा है, ये भी ठीक था, कच्चा रोड आने तो फिर दिखाता आपको। ओके तो भाई सुबह कितनी बजे निकले थे और अंधेरा बनने लग गया भाइयों थोड़ा थोड़ा, और इस्माइल भाई आराम से यार धन्नस दग जाएगी। अरे क्या करो यार, बोला था ना मैंने ये कबाड़ियाँ बढ़ गई, जब तक ये बॉडी नहीं बनेगी तब तक ये काबू में नहीं आएगी ये गाड़ी। अब धन्नस दग जेली किन बैठ की किन बैठाना में जाएगी? मैं बैठाता ही नहीं, मैं डगती नहीं है वो। अब देखना तो ये एक्सपीरियंस भी मिलता है कभी कभार मिलता है। आगे भाइयों फाइनली इस्माइल भाई अंदर बाहर रहे, तो भाइयों आगे घर पे, और आपने देख लिया कि कैसे क्या गाड़ी का होता है और टाइम कैसे लगता है, क्यों इतनी लेट आती है डीजे की गाड़ी। और आज ये काम हुआ है, कल अपने को कराना है भाइयों, इसके ऊपर एक लोडिंग की बॉडी रख के आरटीओ अप्रूव्ड करानी है ना पहले, तो कल यही काम रहेगा अपना। तो आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या अप्रूव्ड होती है, और फिर अपनी आरसी आ जाएगी और वहाँ पर ये गाड़ी छोड़ देंगे अपन परसों के दिन। तो ठीक है भाइयों, कल अपन कराते इसको आरटीओ अप्रूव्ड और परसों वहाँ छोड़ेंगे, और उसके बाद जनरेटर लेने का भी टाइम हो जाएगा,
उसके बाद स्पीकर मशीनें भी खरीदनी है। हालत टाइट, पर एक महीने बाद जो रिजल्ट आएगा ना ये, ठीक है भैया, मिलता है आपसे कल, तब तक एक आसमान।